softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आई होप आप सब हेल्दी हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ कोई वीडियो या डीआईवाई वगैरह कुछ भी या कोई हॉल वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक अमेजॉन हॉल डाला था, उसमें मैंने एक बोरोसिल का कप मंगाया था, तो उसका मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अब उसको यूज कराया है, तो मैं वो मुझे कैसा लगा तो उसका फीडबैक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये इस तरह का इस तरह के डिब्बे में आप देखिए, इस तरह से ये आया था और डिब्बे में, और ये काफी अच्छी इसकी पैकिंग इन्होंने करके दी थी, और ये काफी सॉलिड सी पैकिंग है इसकी। और तो और इसको ओपन करने पर ये इस तरह से ये सिक्स का पीस था, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का सिक्स का पीस था। और ये काफी ये लाइट वेटेड है, ये जो कप है काफी लाइट वेटेड है, और इसको अगर आप हाथ में होल्ड करेंगे या हाथ में पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ पकड़ा, बहुत ही लाइट वेटेड है। और सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगती है कि सबसे अच्छी चीज तो नहीं, इसमें तो काफी मुझे अच्छाइयां, काफी अच्छाइयां इसमें लगी हैं। एक तो ये बिल्कुल बॉटम, कुछ भी आप डालेंगे तो बिल्कुल बॉटम तक जाता है, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बॉटम में एकदम चिपक कर जो भी चीज होती है, आप इसमें जो भी पोर करते हैं चाहे कॉफी वगैरह, और ये काफी थिन है। और ये और इसमें आपको ये सिक्स लिखा है, अवेलेबल इन सिक्स कलर, इसमें ये ग्रीन मेरे पास है, ये देखिए ये इस तरह का है, ये ग्रीन मेरे पास है। और इसमें इनके पास जो ये हैंडल, मतलब कलर इसका सबका व्हाइट ही है, लेकिन हैंडल में ही डिफरेंस है जो भी कलर का है, तो इसमें पिंक है, ब्लू है, येलो, ब्राउन एंड इंडिगो, ये सिक्स कलर में अवेलेबल है इनके पास। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये आप इसको डायरेक्ट फ्रीजर से निकाल के इसको माइक्रोवेव में यूज कर सकती हैं, और ये डिशवाशर सेफ है, और माइक्रोवेव सेफ है, ओवन सेफ है, फ्रीजर सेफ है। तो और ये यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि ये फ्लेम प्रूफ भी है, तो वो मुझे नहीं ठीक से समझ में आया कि इसको हम डायरेक्ट फ्लेम पर चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते, इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं। और इसमें जैसे ये आजकल जो इतनी, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको केक वगैरह बहुत आजकल पसंद होता है, तो आप चाहें तो इसमें भी डायरेक्ट बेक कर सकते हैं, जो कप केक वगैरह होते हैं तो उनको आप डायरेक्ट इसमें रख करके और डायरेक्ट माइक्रोवेव में इसको बेक कर सकते हैं या ओवन में बेक कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी इसकी ये चीज है। और इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज इसकी लगी है वो ये एक्चुअली, ये जैसे कोई भी चीज है, अगर आप चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं और थोड़ी देर हो गई है तो वो ठंडी हो जाती है, इनके हिसाब कोई काम में किसी भी काम वर्क में बिजी हो गए, काम में बिजी हो गए तो फिर वो ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर हमें वो किसी दूसरे चीज में शिफ्ट करके फिर उसको गर्म करना पड़ता है वो। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको आप डायरेक्ट चाय कॉफी जो भी है आप इसको डायरेक्ट माइक्रोवेव में रखकर उसको गर्म कर लीजिए, तो गर्म तो माइक्रोवेव में आप बहुत सारी चीज रखकर कर सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये जो इसकी ये हैंडल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गर्म नहीं होती है, आपकी चाय कॉफी तो एकदम बॉयल होने लगेगी, काफी गर्म हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे माइक्रोवेव से और तो ये बिल्कुल इसका हैंडल जो है वो ठंडा रहता है, और तो आप माइक्रोवेव से निकालेंगे और फिर अगर इस जो भी हमारी चाय या कॉफी जो भी है उसको अब जब हम इनटेक करते हैं यानी सिप करते हैं तो उसका मतलब ये खासियत है कि ये तो पोर्शन गर्म रहता है लेकिन ये ठंडा रहता है, क्योंकि अगर ये भी गर्म हो जाएगा तो हमें पकड़ने में दिक्कत होगी और फिर हम उसको जो कॉफी चाय वगैरह जो भी है हम उसको लेनी, मतलब सिप नहीं कर पाएंगे। तो इसकी खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको यूज कराया तो मुझे ये मजबूत भी लगता है, तो मुझे तो वैसे मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो कैपेसिटी है, ये जो कप की कैपेसिटी है 190 ml है, और जो इसका प्राइस है जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है
किया हुआ है वो 495 ये ईच अराउंड पड़ा, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। और यहाँ पर ये इन्होंने ये फ्लेम प्रूफ भी लिखा है, 100% फ्लेम प्रूफ लिखा हुआ है। तो बस यही था इसका, मुझे आपके साथ शेयर करना था इसका रिव्यू ये कि कैसा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और चाहे तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। और तो फिर बस यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा और हंसाते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।